आपकी बार 400 पार, ये बात पीएम मोदी और बीजेपी बार बार कह रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा और बीजेपी को आखिर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि पूरा एनडीए का कुनबा 400 से ज्यादा सीट जीत लेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में अपने लिए 370 से ज्यादा सीटें जीतने का और अपने गठबंधन एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य रखा है। बीजेपी नेता और मौजूदा सरकार के मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उससे वो ये दिखाना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी प्रचंड जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, यानी कॉन्फिडेंस में हैं। हालांकि ये टारगेट इतना आसान नहीं है क्योंकि बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में सैचुरेशन में पहुंच गई थी। इस बार बीजेपी को उन जगह अपना प्रदर्शन बेहतर करते हुए नई सीटों पर भी जीत हासिल करनी होगी। इस लक्ष्य के लिए सिर्फ बीजेपी को उत्तर भारत के राज्यों में ही नहीं बल्कि बीजेपी को दक्षिण भारत के राज्यों में भी शानदार प्रदर्शन करना होगा। लेकिन अब हम आपको 5 पॉइंट में बताएंगे कि आखिर क्यों बार बार बीजेपी 400 पार का दावा ठोक रही है और क्या वाकई पूरा एनडीए का कुनबा 400 पार कर लेगा, यानी 400 सीटें जीत लेगा। दरअसल हाल ही में हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अच्छी जीत हासिल की। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर से भी निपटना था। फिलहाल इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और बीजेपी का कोर वोटर गदगद है, जो अहम पॉइंट है। और बीजेपी में इससे और कॉन्फिडेंस आया है क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर कई एक्सपर्ट दावे कर रहे थे कि यहां फिर से बीजेपी का जीतना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी ने सबको गलत साबित कर दिया और प्रचंड जीत हासिल की। इससे पहले गुजरात में भी बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूसरा पॉइंट, मोदी की गारंटी, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरे होने पर लोगों का भरोसा मोदी ने जीता, क्योंकि बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में किए अपने वादे पूरे किए, जैसे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, संसद विधायिका में महिला आरक्षण के लिए कानून बनाना। इसलिए मोदी की गारंटी के नाम पर बीजेपी वोट मांग रही है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने पूरे देश में जश्न का माहौल एक तरीके से बनाया। कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर चावल बांटे, यानी अक्षत बांटे। 5 लाख मंदिरों में आरती की गई, जिससे बीजेपी ने घर घर में पहुंचने की पूरी कोशिश की। अब बीजेपी को उम्मीद है कि राम मंदिर बनने का असर होगा और ये बीजेपी का टारगेट पूरा करने में मदद करेगा। बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर से ही हम लगभग सभी लोकसभा सीटों में 1.5 लाख वोट बढ़ने की उम्मीद कर बैठे हैं। लेकिन जनवरी में राम मंदिर पर जैसा उत्साह का माहौल दिख रहा था, अब लगभग वैसा नहीं है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये मुद्दा पोलिंग बूथ में लोगों को याद आएगा और क्या ये मुद्दा ये भी तय करेगा कि बीजेपी का टारगेट पूरा होता है या नहीं। फिलहाल इस वक्त CAA लागू हो चुका है और बीजेपी को उम्मीद है कि इससे भी फायदा मिलेगा, खासकर पश्चिम बंगाल। लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन चलिए अब आपको तीसरा अहम पॉइंट भी समझाते हैं कि आखिर क्यों बीजेपी 400 पार का वादा कर रही है। दरअसल बीजेपी का मानना है कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं के लाभार्थी उसका बड़ा वोट बैंक बने हैं। सरकार के मुताबिक करीब 80 करोड़ लाभार्थी हैं जिन्हें कम से कम एक स्कीम का फायदा मिला है। हर जिले में बीजेपी ने कॉल सेंटर बनाए हैं और लाभार्थियों से संपर्क किया जा रहा है। बीजेपी युवाओं को टारगेट कर रही है और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए युवाओं को विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का न्योता देने का अभियान चला रही है। बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग भी कर रही है और उन समुदायों को पकड़ रही है जो बीजेपी का परंपरागत वोटर नहीं रहा है। इसी वजह से बीजेपी अब तक अपने 68 सांसदों को बदल चुकी है। इसके जरिए वह बीजेपी विरोधी लहर के असर को खत्म करने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपने 400 पार टारगेट को पूरा कर पाए। अब आपको वो चौथा पॉइंट बताते हैं कि आखिर क्यों बीजेपी 400 सीट जीतने के कॉन्फिडेंस में है। दरअसल बीजेपी कैसे 370 से ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही है, इस सवाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग कहते हैं कि 2014 में भी सबने कहा था कि बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया। साल 2019 में जब हमने कहा कि हम 300 का आंकड़ा पार करेंगे तो भी एक्सपर्ट ने कहा कि 250 से 280
सीटें भी जीतना मुश्किल है, लेकिन हमने 302 सीटें जीत ली। बीजेपी ने कहा कि हमारा परिपक्व नेतृत्व है, हमारे पास पॉलिटिकल मौसम को जानने वाले वैज्ञानिक हैं, गरीबों के लिए 10 साल से लगातार काम किया है, हर वर्ग का जीवन स्तर सुधारने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, विदेश नीति उच्चतम स्थान पर है, दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, साथ ही विकास के साथ विरासत को भी समेटा है। इसलिए हम पूरे कॉन्फिडेंस में हैं कि हम 400 का आंकड़ा पार कर लेंगे। खैर, ये तो बीजेपी की तरफ से कहा गया, लेकिन अब आपको पांचवा और आखिरी पॉइंट बता देते हैं जो कि आंकड़ों पर आधारित है, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि देश भर में 200 सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। इनमें 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 49 से ज्यादा था और कांग्रेस का वोट शेयर 31 से ज्यादा। इन सीटों पर दूसरे दलों को करीब 18.5% वोट मिला था। इन 200 सीटों में से बीजेपी ने 171 सीटें जीती थी और 20 कांग्रेस के खाते में गई। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 185 सीटें जीती थी, जिससे वोट शेयर बढ़कर 55 से ज्यादा हो गया, यानी 55% से ज्यादा। वहीं जहां मुकाबले में क्षेत्रीय दल भी हैं, ऐसे करीब 243 सीटें आती हैं। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 108 सीटें जीती, जिसमें बीजेपी का वोट शेयर 26% से कुछ ज्यादा रहा। साल 2019 में बीजेपी का वोट शेयर करीब 10% बढ़ गया, पर सीटें 118 हो गई। यानी बीजेपी पिछले 2 साल से लगातार उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां वो पिछले चुनाव में कम वोटों से हारी थी। यानी इससे ये समझा जा सकता है कि बीजेपी आखिर क्यों चुनावी मोड में रहती है और आखिर क्यों वो फोकस वहां करती है जहां उसका प्रदर्शन पिछले चुनावों में खराब रहा हो। खैर, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्यों एनडीए 400 सीटों को जीतने का दम भर रही है। हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं जो सच हो सकता है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। खैर, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।